हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, और दोस्तों अभी सुबह का टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं भी किचन में आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं किचन में हूँ। और अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाई हूँ, और अभी मैं फ़िलहाल अभी किचन में जस्ट आई हूँ और मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मैं टाइम आप लोग को बता दूँ, क्योंकि मेरे किचन में तो घड़ी है नहीं रूम में, तो मैं फ़ोन में ही देखकर आप लोग को बताती हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:30, घड़ी में सुबह का 7:30 बज रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से और सुप्रभात। और दोस्तों अभी मैं बनाने वाली हूँ केले का, बहुत ही केले और मिल्क शेक, बनाना शेक या कुछ भी आप बोल सकते हैं, मिल्क शेक बोलिए, बनाना शेक बोलिए, और बहुत ही मस्त बनने वाला है रेसिपी, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैं दूध ली हूँ, हमारा 1/2 लीटर के करीब दूध है। तो दोस्तों ये मैं रात को ही लाई थी, झूठ में नहीं बोले, रात को ही लाई थी। तो अभी मैं इसे गर्म करके और इसे मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए मैं इसे चढ़ा देती हूँ, तब तक ये गर्म हो रहे, नहीं तो गैज फट भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है, तो फिर उसका पनीर निकल जाएगा। तो ऐसे तो पनीर निकालने का तरीका अलग होता है दोस्तों, ये दूध से नहीं निकल सकते, तो दूध जब ख़राब होता है तब फेंक ही सकते, उसका और दूसरा उपाय है नहीं। तो चलिए रात का दूध है, तो इसे मैं अभी गर्म करके इसके मिल्क शेक बनाती हूँ। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ दोस्तों, और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बनाना शेक मिल्क शेक आप लोग को मतलब कई नाम होते हैं, जितना तक मुझे नाम पता है मैं बता दी हूँ, आप लोग को पता है क्या तो बताइएगा। तो आप लोग को तो पता है कितना हेल्दी और टेस्टी होता है, अगर सुबह में एक गिलास मिल जाए इसका रेसिपी बनकर बनाकर मिल जाए, तो खाना कम से कम आप लोग को 2-3 घंटे के लिए छुट्टी हो जाती है, प्रोटीन से भरा होता है। आप चाहे इसमें ड्राई फ्रूट या जो भी मर्जी आप डाल कर पी सकते हैं और टेस्ट बढ़ा सकते हैं, पर मैं कैसे बनाऊंगी तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 4 केले हैं, और देख सकते हैं ख़राब हो रहे हैं, तो मैं इसका 3 केले कहीं बनाऊंगी, बाकी 1 रहने देती हूँ और 3 केले कहीं बना लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3 केले कहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वो करी ज़्यादा ही हो जाएगा फिर तो हो जाएगा, तो इस वजह से मैं 4 केले, आप लोगों ने देखा 4 केले थे, तो मैं 3 केले का ही बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस दूध को गर्म कर ले रही हूँ, फिर केले को छिलूँगी। और दोस्तों चीनी आप लोग चाहे तो पीसा वाला डाल सकते हैं, पीसी हुई चीनी जो होती है वो, या फिर आप मिश्री पीसी हुई डाल सकते हैं, तो मैं ऐसे ही डालूँगी, मेरे पास पीसा वाला है नहीं, तो मैं ऐसे ही डालने जा रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है गाइज, आप लोग पीते होंगे तो कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग पीते होंगे, ऐसा नहीं है, ज़रूर पीते होंगे, और मैं कभी कभी पीती हूँ, क्योंकि मैं डेली पीती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, अगर एक ही चीज़ पीऊँ डेली तो बोर हो जाती हूँ, या सब्ज़ी वगैरह एक ही चीज़ का बने तो बोर हो जाता है इंसान, कोई भी इंसान रहे बोर हो जाता है। तो सोची मैं आप लोग के साथ आज शेयर ज़रूर करूँगी, और आप लोग को भी बताऊँगी बनाने का तरीका, आप लोग भी बनाकर ज़रूर पीजिएगा और हेल्दी और टेस्टी रहिएगा, साथ में वज़न बढ़ाने में बहुत ही कम काम आता है। तो दूध भी अब गर्म होने वाला है दोस्तों, और
चलती हूँ, इसे मैं मिक्सी निकालती हूँ नीचे से, क्योंकि मिक्सी को मैं नीचे ही रखी हूँ। तो दोस्तों ये रहा मिक्सी, और इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि कीड़े मकोड़े सब रहते होंगे इसमें, और इसलिए मैं इसे और मसाले वगैरह जो होता है इसे छोटा वाला है मैं इसमें पीस लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं केले को छील कर इसमें डाल लेती हूँ। और इस तरह से तोड़ तोड़ कर डाल दूंगी, देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसमें मैं केले 3 डाल चुकी हूँ, और इसमें अब चीनी को भी डाल देती हूँ। अपने अनुसार जितना मीठा आप लोगों को पसंद है वो अनुसार से डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर दूध को मैं ऐड कर दूंगी। तो देख सकते कितना मस्त हो गया है। मैं लो पे ही की थी, हाई फ्लेम पे नहीं, लो पे, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी में मैं दूध को भी ऐड कर दूंगी। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, इसमें मैं दूध, केला और चीनी भी ऐड हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा और मिला लेती हूँ, मीडियम पे ही, हाई नहीं करना है नहीं तो निकल जाएगा। और ये जो है थोड़ा सा छोटा है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, निकल जाएगा। आप लोग बने रहना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त है मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है, बनाना शेक। और आप चाहे इसमें तो ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, पर मैं नहीं मिला रही हूँ, मैं ऐसे पीऊँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है गाइज, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके घर में नहीं है ड्राई फ्रूट तो इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना आसान तरीके से बन गया है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट या कोई सामान नहीं है तो आप इस तरह तरीके से भी बना सकते हैं।
और दोस्तों और झटपट में बना सकते हैं। जब आपके घर में ड्राई फ्रूट या इतना ही सामान हो, चीनी तो हर किसी के घर में होता है क्योंकि चाय वगैरह बनती है, शरबत वगैरह, तो हर चीज़ मतलब कि हमेशा चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तो चीनी तो हर किसी के घर में होता है और ड्राई फ्रूट हर किसी के घर में नहीं होता है गाइस, मैं बता दूँ, क्योंकि हर किसी के घर में नहीं होता क्योंकि सब लोग नहीं खा सकते। इतना ना महंगा है ड्राई फ्रूट कि कोई नहीं, जिसको मतलब कि है उतना वो ही खा सकते हैं, तो इस वजह से सबके घर में नहीं होता ड्राई फ्रूट। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसलिए मैं बता दी हूँ आप लोग को। और देखा आप लोगों ने, बहुत ही टेस्टी होता है और ड्राई फ्रूट रखने से कोई थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है और क्या, तो लेकिन उससे टेस्ट बिल्कुल कम नहीं आएगा। कैसे मैं बता दूँ आप लोग को, बस विश्वास दिला सकती हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, कितना मस्त बना है आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में बन गया है। मैं आप लोग को एक एक स्टेप करके बता दी हूँ, तो आप लोग ऐसे ज़रूर बनाइएगा और मस्त मिल्क शेक का मज़ा लीजिएगा, और हेल्दी और टेस्टी प्रोटीन से बड़ा होते हैं। तो चलिए इसको मैं एक गिलास में रख लेती हूँ, फिर पीकर मैं आप लोग को बताती हूँ कैसा टेस्ट आया कैसा नहीं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी कभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल एंजॉय करिए। चलिए आप लोग बने रहिए दोस्त। तो दोस्तों फाइनली मैं बनाना शेक पी ली और बहुत ही टेस्टी, शरीर में एनर्जी आ गया दोस्तों। जब आप लोग को भूख लगी रहती है बहुत तेज, तो आप लोग तो आप लोग झटपट में बनाना शेक बनाइए और पीजिए और शरीर में एनर्जी लाइए फटाफट, तो कोई सुस्ती नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी बहुत ही होता है। तो मैं आप लोग को बताई, आप लोग ऐसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग के पास ड्राई फ्रूट है तो आप लोग डाल सकते हैं और नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मुझे और चैनल को आगे बढ़ाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों फैमिली में। और कैसा लगता है वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं और मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल पे, सपोर्ट करिए, लाइक करके जाइएगा वीडियो पसंद आता होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे से रिलेटेड आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच पाएगा और ऐसा ही इंजॉय वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और आप मज़े लेकर देखते रहेंगे। और क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को, बस इतना ही करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो रहने देते हैं दोस्तों इस वीडियो के यहीं तक, थोड़ा सा मैं चलती हूँ, काम वगैरह निपटाना है, बर्तन जो मैं मिक्सी अभी पीसी थी मतलब मिल्क शेक बनाई थी बनाना शेक, वो बर्तन अभी धोना है और बाकी थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना है। ऐसे तो मैं सुबह में लगा चुकी थी फिर भी लगाऊंगी क्योंकि किचन में गंदा हो जाता है, कुछ भी बनाओ तो उस पर गिर जाता है नीचे, तो फिर देखने में बिल्कुल बेकार सा लगता है। तो इस वजह से मुझे सफाई हर मिनट पे ही करनी पड़ती है। तो चलती हूँ, थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, फिर मैं मिलूँगी, जो भी होगा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बनी रहिए दोस्तों आप लोग कंटिन्यू, और देख सकते हैं मेरा बाल अभी खुला हुआ है और अभी बाल में कल ही धोई थी क्योंकि मैं डेली बाल नहीं धोती हूँ क्योंकि ज़्यादा बाल धोने शैम्पू वगैरह करने से बाल टूटने लग जाते हैं इस वजह से।
तो चलिए दोस्तों, बाय बाय और टेक केयर।